मिनिस्ट्री ऑफ आईटी सीएससी के पैनल के ऊपर 465 तरह की अलग अलग ऐसी सरकारी सर्विसेज हैं, आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, पेमेंट निकालना। एजुकेशन की बात करें अपन सीएससी एकेडमी पे, तो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं। कोई बच्चा कौन हो सकती है, उसकी योग्यता क्या हो सकती है, और उसको बाउंडेशन तो नहीं है। देखो, काम की कोई बाउंडेशन नहीं है। ग्रामीण उद्यमी मतलब कि उसको जब समय मिला वो काम कर सकता है, अगर उसे समय नहीं मिला तो वो आगे कुछ दिन रुक के भी काम कर सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बैंकिंग देखो, तीन सेगमेंट है इसमें, डिजिटल बैंकर, ठीक है, डिजिटल टीचर और डिजिटल डॉक्टर, ठीक है। ये तीन डी का अगर अपन कॉन्सेप्ट देखें, वो तीनों काम वो गांव में वो महिला कर सकती है। अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के साथ, चाहे तो अंगूठे के साथ या आपके रेंटिने को स्कैन करके वो महिला या वो व्यक्ति अपने गांव में लोगों को बैंकिंग का काम कर सकता है, चाहे पैसा जमा करना हो चाहे पैसा निकालना हो, दोनों काम कर सकता है। दूसरी बात करें अपन, सेकंड नंबर पे आती है डिजिटल टीचर। हमारे गांव में इंग्लिश स्पोकन कोई बच्चा सीखना चाहे, अब हमारे पास एक बच्चे के लिए टीचर नहीं रख सकते, इतना पैसा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि बच्चे के लिए हम एक टीचर हायर कर ले। सीएससी एकेडमी पे ब्रिटिश काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का एक पूरा पैनल दिया हुआ है, मात्र आप ₹1 में, मतलब आप अगर कई पैकेज आते हैं उसमें आप ₹5,000 में 5,000 बच्चों की रजिस्टर मतलब सीटें आप पे कर सकते हो, मतलब आपको मात्र ₹1 का खर्चा आएगा। आप बच्चे से ₹200, ₹500 जो भी फीस लेना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका मात्र ₹1 खर्चा आया, वो बच्चा आपके पैनल के ऊपर आएगा, सेंटर के ऊपर आके वो पढ़ सकता है, आप उसको ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हो, उसके बाद वो आपके सेंटर पे ऑनलाइन परीक्षा दे और उसको प्रमाण पत्र मिल जाए। ऐसे एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी नीट या फिर जेई की तैयारी करने के लिए, कंपटीशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो भी फैसिलिटी है। मात्र ₹499 में बच्चे को आप 1 महीने के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं, बच्चा ऑनलाइन लाइव क्लासेज पढ़ सकता है। कहने का मतलब, एजुकेशन में कोई भी कोर्स, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो, चाहे वो इंजीनियर बनने का हो, चाहे इंग्लिश सीखने का हो, चाहे कंप्यूटर सीखने का हो, या नौकरी तैयारी करने से संबंधित हो, वो सारे के सारे कोर्सेज आप एक ही पैनल के ऊपर कर सकते हैं। ये दूसरी बात हुई डिजिटल टीचर की, क्योंकि टीचर इसमें क्या हो गया, डिजिटली हो गया। थर्ड सेगमेंट है इसमें कि डिजिटल डॉक्टर। आप गांव में रहकर डिजिटली टेली कंसल्टेंसी के थ्रू, सीएससी का जो टेली लॉ है उसमें कानूनी सलाह दिला सकते हो, टेली कंसल्टेंसी के थ्रू आप स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली परामर्श करा सकते हो। तो कहने का मतलब कि इसमें जो महिला इस काम के लिए जुड़ेगी उसके लिए तीनों रास्ते ओपन हो जाते हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर्ड करके अपने गांव के लोगों को बेनिफिट दिला सकती है। विकास में सर हैं, इनसे हमारी बात हुई, इनके पास एसएचजी चलती हैं और तकरीबन 250 के समथिंग इनके एसएचजी हैं, तो हम मान के चले 4-5 हज़ार महिलाओं का नेटवर्क है। तो उन महिलाओं को ये क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से जोड़कर, क्योंकि इस एसएचजी और एनजीओ का तो मकसद ही ये होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको रोजगार परक गतिविधियों से जोड़ना, तो ये अवसर भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा सकता है। तो एक तो हमारी बात ये थी कि आप लोगों को हम बताएं कि पूरे भारत में अलवर डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनने की ओर अग्रसर है। अब तक हमने 1,072 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, पूरे अलवर की बात करें तो हम लगभग हमने 512 के समथिंग, हमने जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें 512, कुछ गांव भी हैं उसमें इंप्लीमेंट, वो आइडिया हमने क्रिएट कर दी हैं। कुछ की सीएससी आइडिया बन के आ चुकी, जिनको हमने मशीनें बांट दी हैं। ये जो मशीन की जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर जो मैंने बताया कि ये मंत्रा का जो आयरस मशीन दिया जाएगा, वो हम डायरेक्टली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से, सीएससी की तरफ से ये मशीन उस महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है कि वो अपने व्यवसाय को आरंभ कर सके। पहला तो ये था कॉन्सेप्ट। किसी को इसमें अगर पूछना हो कि भाई महिला कौन हो सकती है, कितनी पढ़ी लिखी हो सकती है, उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला, कम से कम 8वीं या 10वीं पास हो, जिससे कि वो कंप्यूटर में या मोबाइल में, स्मार्टफोन में अंग्रेजी वगैरह को आसानी से पढ़ सके, ठीक है, मिनिमम योग्यता की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे बात आती है, उसके पास आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, उसका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें उसके पास हो, ठीक है। तीसरी योग्यता आती है कि उसको स्मार्टफोन चलाना आता हो, ये तीन योग्यताएं उसके पास होना जरूरी है। बेसिकली 90% ये योग्यता गाँव में मिल जाएगी। अगर हम एक गाँव में एक महिला को चुने तो 90% हमें आराम से इजी वे में वो मिल जाएगी। जैसे सर के पास एसएचजी है तो इनको मैसेज सर्कुलेट करना है,
कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारे साथ में है, तो आसानी से वो किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर सबको। अब बात ये आती है कि वो महिला जब एक डिजिटल सखी के रूप में जुड़ गई तो उसको क्या फायदा होगा। सीधी सी बात है कि सबसे पहला फायदा तो उसको 4,500 रुपए की ये डिवाइस पहले ही दिन फ्री मिल रही है। ठीक है, दूसरा फायदा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की सीएससी की आईडी निःशुल्क मिल रही है, वरना उसको एग्जाम देना पड़ता है टीईसी का। ठीक है, कितने रुपए का लगभग चालान कटता है? 1800 के लगभग खर्चा लग जाता है एक सीएससी आईडी को बनवाने के लिए, और एग्जाम देने के बाद लगभग 15 से 20 दिन या महीना 2 महीने का समय लगता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने हमें एक पूरा का पूरा एक राइट्स दिया है कि हम संबंधित महिला को आइडेंटिफाई करें, जो रुचिकर हो, ये काम करना जानती हो या करना चाहती हो, तो उसे हम आइडेंटिफाई करके हमारे डेटाबेस से उसका डेटाबेस मिनिस्ट्री को भेजते हैं, हम उसकी रजिस्टर्ड करते हैं आईडी, और 24 घंटे में उसकी आईडी बनकर आ जाती है। उसे ना एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद हम उसको एक ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पार्ट होता है वो हम ट्रेनिंग में उस महिला को सिखा देते हैं, जिससे उसको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस दिन हम मशीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस दिन हम जिस तरह आप लोगों को समझाया ऐसे ही हम ट्रेनिंग रखते हैं। हमारा स्टाफ वहीं पे जाता है और उसको पूरा काम लाइव समझा के आता है, मशीन जोड़ने से लेकर मशीन में ट्रांजेक्शन करना और एक वीएलई की क्या भूमिका और क्या काम वो कर सकता है, वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग पार्टनर ट्रेनिंग का जो पैटर्न होता है हमारा, उसमें हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो महिला पहले दिन से ही अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। जो अकाउंट उसका मैप्ड था उसमें उसका कमीशन आता है, कोई बीच में बिचौलिया कोई दलाल की आवश्यकता नहीं। आपने 1 रुपए का काम किया तो 1 रुपए कमीशन खाते में आएगा, आपने काम नहीं किया तो नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हुई बात डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की। आप लोग जिस भी ब्लॉक से जिस भी गांव से आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में ऐसी कोई महिला जो इस काम में जुड़ना चाहे, उसके लिए आप लोग हमसे जुड़ेंगे और मदद भी करेंगे। हम इसी की अपेक्षा करते हैं आप लोगों के साथ। अगला पार्ट